आज बनाने वाली हूँ वेज हॉट डॉग। इसे चीज़ वेज रोल भी बोल सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही चीज़ी बनता है। आप एक बार बना कर देखिए, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज ले लेंगे। इसमें पड़ने वाली सारी सब्जियाँ बिल्कुल ऑप्शनल है, आप जो भी सब्जियाँ लाइक करें आप उनका इस्तेमाल करें। इसमें 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी और लगभग 50 ग्राम पनीर को छोटे क्यूब्स में कट करके ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच ऑरेगैनो। आप इसकी जगह मिक्स्ड हर्ब्स या इटालियन सीजनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर नमक और इसके साथ ही में जाएगा चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर। इसमें हम बाद में हरी चटनी ऐड करने वाले हैं। अगर आपने जो हरी चटनी बनाई वो तीखी है तो काली मिर्च के पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसमें घिसा हुआ चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ की मात्रा आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, आपको जितना चीज़ पसंद हो आप उतना ऐड करें। अब इसमें हम 2 चम्मच हरी चटनी ऐड करेंगे। सो इस रेसिपी के लिए हम किसी भी सॉस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपली इसे हम हरी चटनी से बनाएंगे। अगर आप हरी चटनी ना हो तो आप इसकी जगह कोई भी सॉस जैसे मेयोनीज या सिजवान चटनी, आपको जो भी पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और इसी के साथ हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। इसके बाद एक हॉट डॉग बन ले लेंगे और इसमें इस तरीके से कट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा पूरे नीचे तक कट नहीं लगाना है, आपको नीचे से थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। तो ये जो ऊपर की ब्रेड है इसे हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो प्रेस करके अंदर की तरफ स्टफ़ कर दें। अब हल्के हाथ से इसे प्रेस करते हुए कटोरी की शेप दे देंगे। साइड से बहुत पतला नहीं करिएगा वरना स्टफिंग को होल्ड नहीं कर पाएगा। अब इस बन के अंदर बटर लगा देंगे, यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लाइक करें तो लगाएं वरना स्किप कर सकते हैं। सो बन की नीचे साइड पर हम अच्छे से बटर लगा देंगे। अब इसमें हरी चटनी डाल देंगे और इस हरी चटनी को बन में हर तरफ अच्छे से फैला देंगे। हरी चटनी को किनारे पर भी अच्छे से लगा दीजिएगा। आप चाहें तो हरी चटनी की जगह तंदूरी मेयो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस बन के अंदर जो हमने स्टफिंग रेडी की है उसे भर देंगे। हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टफिंग भर पाएँ। अगर आप इसे ओवन में बेक करने वाले हैं तो ओवन को प्री हीट कर लें, और अगर कढ़ाई बनाने वाले हैं तो कढ़ाई को गैस पर रख दें गर्म होने के लिए। अब इस बन के ऊपर इस तरीके से घिसा हुआ चीज़ रख देंगे। सो आपको जितना चीज़ पसंद हो या आपको जितना सही लगे उस हिसाब से इसके ऊपर चीज़ रख दें। इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स रख देंगे जिससे यह देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इसकी जगह ऑलिव्स वगैरह भी रख सकते हैं। अब इसे बेकिंग ट्रे पर रख देंगे और इसे तब तक बेक करेंगे जब तक जो चीज़ है ना वो मेल्ट ना हो जाए। अगर आप कढ़ाई में बेक कर रहे हैं तो सेम कढ़ाई में तब तक बेक करिएगा जब तक जो चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसी के साथ चीज़ी हॉट डॉग बिल्कुल रेडी है। सेम रेसिपी को आप बर्गर से बना सकते हैं। बर्गर में इस तरीके से कट लगा कर होल कर दें और इसे कटोरी की शेप दे दें और इसके अंदर जो हमने स्टफिंग बनाई है वो स्टफ करके बेक कर लें। अगर आप इसे गेस्ट को सर्व करने वाले हैं तो आप इस हॉट डॉग बन को बिना बेक किए पहले रेडी करके रख लें और जब सर्व करना हो उससे पहले इसे बेक कर लें और चीज़ को मेल्ट करके सर्व कर दें। ये देखिए कितना चीज़ी बना है ये हॉट डॉग। एक बार इसे बनाकर देखिए, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।